सो वेलकम गाइस टू माई चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको कुछ सम सॉल्व करवाऊंगी, जैसे कि हो गया आपका सीरीज़ वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे आगे की सीरीज़ आपको ढूंढनी है, चार पांच नंबर लेटर सीरीज़ होगी, नंबर सीरीज़ हो गई, फिर आपको डाइस के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको वो डाइस की ट्रिक्स बताऊँगी ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, सपोज मैं दे रही हूँ, टॉपिक का नाम है रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपका सीरीज करती हूँ। अब सीरीज में सबसे पहले सीरीज मैं आपको एग्जांपल के टाइम पे दे रही हूँ, तोड़ के दे रही हूँ, 2, 4, 6, 8, -, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगली सीरीज़ क्या होगी, मतलब अगले सेट ऑफ नंबर्स क्या होंगे। तो 2, 2 आपको पैटर्न देखना है क्या है। ये तो एक इजी सा सम था, आपको पता ही चल गया होगा देखने से, ये 10 है, ये 12 होगा, 2 का टेबल चल रहा है बेसिकली, ठीक है। फिर आपको आ सकता है एक और तरीका, मैं बताती हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आप पहली बार सीरीज़ के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो। 2, 5, 9, 19-, अब आपको निकालना है ये। अब आप देखोगे कि इसमें डिफरेंस कितना है, 3 का है, इसमें 4 का डिफरेंस है, 3, 4, 10, और अगला आपको निकालना है। तो अब आप दिमाग लगाओ अपना कि कैसे ये डिस्टेंस जो है बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। दिमाग लगाओ क्या हो रहा है, इसका डबल जो है प्लस 1 करके क्या आ रहा है, यानी कि 2 × 2 + 1 आ गया 5, ठीक है। ऐसे ही अब ये जो है ये इतना नहीं बढ़ रहा जितना डबल पे बढ़ना चाहिए, डबल से क्या है 1 कम है, तो ये क्या हो रहा है आपका 5 × 2 - 1 क्या है आपका 9 आया। अगर आपको एक बार पैटर्न पता चल जाएगा ना, एक एक करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, या तो पैटर्न होगा −(2−1) × 2+1, या होगा −(2+2) या −2, ऐसे करके अगर आपको पैटर्न्स पता चल जाएंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर क्या क्या है आपका 9 × 2 + 1 है ना, क्या है ये 9 × 2 + 1 कितना आया 19 आया। तो अब अगला सोचो क्या होगा, अगला होगा 19 × 2 - 1 कितना आया 38 - 1 = 37, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, इजी इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब देखो इधर, अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, 1, 4, 27, 16, 125, 36 और फिर अगला मैं आपको देती हूँ 19 अब इसमें आप दिमाग लगाओ कि आप क्या पैटर्न हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या था, 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब भी हो सकता है ये, है ना। फिर आता है आपका 3 का क्यूब, फिर आता है आपका 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। अब अगला क्या होएगा आपका, 1, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और फिर आएगा आपका 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 64। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका पैटर्न है ऑल्टरनेट स्क्वायर एंड क्यूब्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका नंबर में, अब लेटर में भी आता है आपका सीक्वेंस का काम। अब अगर आपको दे रखा है सपोज ए
सी एफ जे, और अगला आपको निकालना है। अब इसमें भी आपका कितने होते हैं, 24 लेटर्स, 24 होते हैं ना अल्फाबेट्स। तो अब देखो, ए बीच में एक बी गायब है, सी डी ई गायब है, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई, यानी कि एक कम है, फिर दो कम है, फिर तीन कम है, अभी अगले में क्या होगा, चार कम होंगे, जे जी एच आई जे के एल एम एन, और अगला क्या है, ओ। ऐसे ही जब अगला वाला करोगे तो अगले वाले में आपके पांच कम होंगे, ठीक है, आगे समझ में। अब आता है आपका एक ये वाला, ए सी ई कॉमा एच जे एल कॉमा ओ क्यू एस कॉमा डैश। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपकी ये लेटर और ये लेटर में सीक्वेंस होएगा, ये लेटर और ये लेटर में सीक्वेंस होएगा, और ये लेटर और ये लेटर और ये लेटर में सीक्वेंस होगा आपका, ठीक है। फर्स्ट लेटर दूसरी टर्म के फर्स्ट लेटर से सीक्वेंस में होएगा। अब देखो, ए और एच में, ए और एच में कितना फर्क है, क्या हो रहा है इसमें, एक छोड़ के हो रहा है ना, बी और डी, फिर आपका है एच आई जे और के, फिर क्या है, ओ एल ओ पी क्यू और आर, आर कम है। अब ऐसे ही अगला वाला जो होगा, अब अगला वाला क्या है, ए बी सी डी ई एफ, एक कम है यहाँ पे, एफ के बाद फिर आ गया आपका एफ आई जे के, तीन कम आ रहे हैं ना, है ना, दो कम आ रहे हैं ना, ए बी सी डी ई ई एफ, दो कम आ रहे हैं। तो ऐसे ही इसके में भी एल एम एन, एम और एन कम है इसमें, है ना, तो ऐसे ही एस यू एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, और यू कम होगा, फिर वी आएगा, वी के बाद एक कम होगा वी, फिर आएगा आपका वाई, और फिर आएगा आपका एक छोड़ के जेड, एक्स को छोड़ के फिर आएगा आपका जेड। आगे समझ में कैसे करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आप एक बार कर लोगे तो आपको अच्छा आसानी से आ जाएगा। अब ऐसे ही आपको सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर एक परफेक्ट डाइस है, परफेक्ट डाइस वो होता है जिनके ऑपोजिट नंबर्स का जो सम है वो इक्वल टू हमेशा 7 होएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये आपका सपोज अगर मैं डाइस की बात करूँ, ये डाइस है आपका, अब अगर मैं बात करती हूँ, ये डाइस है, सम शुड बी 7, यानी कि 1 के ऑपोजिट 6 होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा, 3 के ऑपोजिट 4 होगा, 4 के ऑपोजिट 3 होगा, और 5 के ऑपोजिट 2 होगा, यही कहना चाहते हैं ना सम 7 के लिए, है ना। तो अगर आपका परफेक्ट डाइस है, तो यहाँ पे 1, 4, 5 अगर मैं लूँ, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या होएगा, 3, इसके ऑपोजिट नीचे 6 होगा, और इसके पीछे वाली साइड पे 2 होगा, यही आपका परफेक्ट डाइस है ना, ठीक है। अब अगर आपको आता है क्वेश्चन, सपोज अगर आपको आता है, व्हाट नंबर इज ऑपोजिट टू 3, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट नंबर इज ऑपोजिट टू 3, और आपको मेंशनड है कि वो डाइस जो है वो परफेक्ट डाइस है, मतलब उनके ऑपोजिट का जो सम है वो हमेशा 7 होएगा, तो ही आप क्वेश्चन को देख के कर सकते हो कि 3 के ऑपोजिट तो 4 होगा। लेकिन अगर आपको उन्होंने अपनी तरफ से एक डाइस दे रखा है, ठीक है, और डाइस सपोज अगर आपको दे रखा है, सपोज आपको डाइस दे रखा है
सपोज आपको एक डाइस दे रखा है, 3, 4, 5, और एक डाइस दे रखा है 4, 3। यहाँ पे आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आपको 1 दे रखा है, तो आपको बताना है कि ये सेम डाई है या दोनों अलग अलग डाई हैं, आपको ये बताना है। तो आप कैसे बताओगे, इसकी एक ट्रिक है। देखो, अगर आपके इफ टू नंबर्स आर कॉमन, अगर ये दो नंबर्स अगर कॉमन है ना, कॉमन है ना, देन द रेस्ट ऑफ द 3 आर ऑपोजिट टू ईच अदर। यानी कि 5 के ऑपोजिट 1 होगा, और जो भी यहाँ पे दे रखे हैं बाकी के 3, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, ये ट्रिक है सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि आपको बताना है सपोज ये है 1, 2, 5, थोड़ा गंदा डाइस बन रहा है, पूरा मत मानना, 3, 1, 4। ठीक है, आपको बताना है अब कि 4 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, कि 4 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है। ठीक है, अब इसका एक तरीका होता है कि ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना, जो भी कॉमन है, जो भी कॉमन नंबर है दोनों में, एक का आप क्लॉकवाइज जाओगे और एक का आप, और ऐसे फिर आप एक क्लॉकवाइज और जाओगे। तो अब मुझे बताओ कि 1 के ऑपोजिट ये होगा आपका, पहले वाले का करें 1, 2 और 5, दूसरे वाले का अगर हम करेंगे तो ये, सॉरी 6 है, ये गलत कर दिया मैंने, ये 6 है। दूसरे वाले का भी आप क्लॉकवाइज अगर जाओगे तो आएगा 6, 4, 3। तो इसका मतलब 4 के ऑपोजिट क्या है, 3 है। आ गए समझ में तरीका कैसे किया है? जो भी कॉमन है इसमें उसके आप क्लॉकवाइज जाओगे। ठीक है, जो भी कॉमन है इसमें उसके अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 के ऑपोजिट 2 है।